सुबह सुबह उठते ही राघव के पापा ने उसे गाली दी, बोला साले कुछ कर ले जिंदगी में, कुछ कर लेगा तो कुछ बन जाएगा, सारा दिन सोता रहता है, कॉलेज भी खत्म हो गया, अभी तक पढ़ेगा लिखेगा कब, ऐसे ही रहेगा क्या जिंदगी भर, ऐसे ही अपने टाइम को वेस्ट करता रहेगा क्या। राघव कहता है पापा कर तो रहा हूँ, जॉब ढूंढ तो रहा हूँ, मेहनत कर तो रहा हूँ, और मेहनत करते करते और जिंदगी का एक साल बीत गया, अय्याशी करते करते लड़कीबाजी करते करते अब राघव ने कसम खाई कि साला लड़की से दूर रहना है, कोई ऐब नहीं करना, किसी दोस्त से नहीं मिलना, कुछ टाइम के लिए बिल्कुल चुपचाप बैठे रहना है और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे फोकस करना है। मेहनती राघव मेहनत करने लगा, फिर से मेहनत में एकजुट हो गया, सुबह जॉब जाता, शाम को वापस आता, माँ के हाथ की रोटी खाता और माँ को बहुत ज़्यादा बातें करता माँ से, और चुपचाप आके सो जाता। लाइफ एकदम बढ़िया चल रही थी। दोस्तों भोले भाले और कम बोलने वाले लोगों के लिए वीडियो है, इस मोटिवेशन वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना, चाणक्य नीति और चाणक्य नीति हिंदी देखने का हमारे चैनल जिद्दी मोटिवेशन को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि नाश कैसे होता है एक आदमी का, एक मर्द का नाश कैसे होता है, क्यों उसके बने बनाए काम खत्म हो लेते हैं, क्यों उसके साथ बुरा होता है, क्यों उसके साथ धोखा होता है, क्यों उसके साथ लोग फरेब करते हैं, और साथ ही आपको ऐसा क्यों महसूस होता है कि हमेशा आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है। दोस्तों राघव अपनी जॉब बहुत मज़े से कर रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मगर जिंदगी में एक लड़की आ गई। जब ये एक लड़की आती है तब तक चीज़ें बहुत सॉर्टेड रहती हैं, मगर जब दूसरी एक और आ जाए तब प्रॉब्लम और बढ़ती है, और अगर और बहुत सारी आ जाए तो प्रॉब्लम बहुत सारी बढ़नी शुरू होती है। राघव की लाइफ में एक ऑफिस की लड़की आ गई और एक घर के पास रहती थी, वो लड़की दोबारा आ गई, एक्स गर्लफ्रेंड कह सकते हो आप उसको। अब राघव दोनों से बातें करे, 12 बजे जो राघव सो जाया करता था, 10:30, 11, 12 बजे तक सो जाता था, वो अब 2-2, 3-3 बजे तक फ़ोन में बात करके सोता है। जाहिर सी बात है इन सब चीज़ों का कंपनसेशन ऑफिस के अंदर बीतना था और वही होने लगा। अब वो ऑफिस जाए, ऑफिस में नींद आए, काम ढंग से ना हो, आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाए और काम में वही इंक्रीमेंट नहीं होनी शुरू हुई, फिर प्रॉब्लम बढ़ने लगी। अब दो दो लड़कियों को मैनेज करना है, दोनों से एक एक घंटे बात करनी है, फिर मिलने भी जाना है, संडे को पैसे भी खराब होंगे, कम से कम पर मीटिंग के 200-300 रुपये लेके चलो, मामूली सी बात है, 100 रुपये का पेट्रोल डीजल फूक जाता था जाते जाते राघव का, और कहीं बैठता था एक बारी लड़की पे करती थी एक बारी लड़का, तब भी 300-400 रुपये यूँ 2 मिनट में हवा हो लेते थे। जॉब में जितनी सेविंग नहीं होती थी उतनी खर्चे होने शुरू हो गए, कई बारी ओयो जा रहे हैं, कई बारी कहीं जा रहे हैं, मस्ती फुल ऑन हो रही है, लाइफ के पूरी मज़े आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, बहुत अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे उसकी जॉब इतनी बुरी हालात हो गए कि जॉब छूटने के आसार आ गए। अब राघव परेशान, क्या करूँ पापा, फिर दोबारा मतलब जिंदगी जहाँ से स्टार्ट करी थी 20-21-23 साल की उम्र से, वही जिंदगी सेम आ गई 30 साल की उम्र में, जो उम्र शादी करने की थी। राघव को लगा यार ये मैं गलत कर रहा हूँ, अब तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, सब लड़कियों से बात करनी बंद कर दी, और भी 2-3 थी सबसे बंद कर दिया, फेसबुक बंद कर दिया, इंस्टा बंद कर दिया, सारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे बिल्कुल ख़त्म हो लिए 6 महीने के लिए। 6 महीने बाद फिर दोबारा नई जॉब मिल गई, अच्छे से फिर दोबारा सब कुछ चलने लगा, जिंदगी एकदम सॉर्टेड थी। मम्मी कहती है बेटा तू सेटल हो गया, तेरी शादी करा देती हूँ। मम्मी अभी रुक के करनी है, अभी मैंने जिंदगी में देखा ही क्या है, मेरे दोस्तों को देखो, मेरे दोस्त कितनी मस्ती कर रहे हैं, अभी देखो गोवा गए, मेरे तो गोवा जाना है। मम्मी अच्छा बेटा ठीक है गोवा चला जियो, चलो जी। लाइफ और आगे बढ़ती रही, अब लाइफ में कोई लड़की नहीं थी, जनाब गोवा गए राघव, गोवा गए, फिर वहाँ पे थोड़ी बहुत अय्याशी होगी, शराब पी ली, नशे में लड़कियाँ पटा ली, वहीं पर उनके साथ सब कुछ कर लिया भी, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था एकदम बढ़िया, वापस आने का मन ही नहीं कर रहा था, अच्छी खासी जितनी सारी सेविंग्स करी थी सब उड़ा दी, सबकी सब उड़ा दी, दिमाग का 1% भी इस्तेमाल नहीं करा कि जो मैंने खर्चा, जो मैंने इतना कमाया सब मैंने डुबा दिया। अब ऐसे में अब गोवा में पैसा भी फूक गया, घर वापस आए, लगा यार इतने पैसे फूक दिए, सारी सेविंग फूक दी, अब तो कुछ बचा ही नहीं, ऐसे कसीनों में पैसे उड़ाए हैं जैसे पता नहीं कोई रईस अंदाज अम्बानी का बेटा हो, ऐसे समझ के उड़ा दिए राघव ने सारे पैसे, अब कुछ बचा नहीं है। घर आए, मम्मी ने बोला बेटा तू एक बाप था तो सारी जिंदगी चूतिया ही रहेगा क्या। बेटा कहता है माँ मैंने करा क्या है, अच्छा तूने क्या नहीं करा, पहले तू बिगड़ता है फिर सुधरता है, फिर बिगड़ता है फिर सुधरता है। अब मैं तुझे एक चीज़ समझा रही हूँ, अपने बेवकूफ़ दोस्तों की बातों में मत आ, ठीक है, वो शादी करें चाहे ना करें, उनके पास कितना पैसा है, उनका बाप उनको कितना पैसा देता है कितना नहीं देता, तू अपनी ज़िंदगी में एक लड़की से शादी कर, एक के साथ रहे,
और अपना चुपचाप बच्चे पैदा कर और अपने एक काम पे फोकस कर। और राघव ने शादी कर ली और सब कुछ ठीक हो गया। ये जो भटकन थी सब खत्म हो गई। जिंदगी में अगर आप एक जगह एकत्रित रहेंगे, हो सकता है आज आप एकत्रित हों और फिर उसके बाद एकदम से आपका दिमाग भटकाने को लड़की आ जाए और हम भटक जाते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ज्यादा दिन तक आपकी कामयाबी आपके पास नहीं रहेगी। बार 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 कामयाबी मिलेगी, बार 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 वो चली जाएगी और ऐसी कामयाबी किसी काम की नहीं होती। भोले भाले और कम बोलने वाले लोग हमारे चैनल जिद्दी मोटिवेशन को सब्सक्राइब कर लेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।